सुपरस्टार हैशटैग बन न्यून एक्सपोज येलो गाइस हमारे साथ देखो कौन खेल रहा है जैसे कि तुम फैन हो इतने बड़े और वो सामने तुम्हारे के साथ खेले वो भी एक अलग नेम से अलग तरीके से आकर के तुम्हारे साथ खेले। हेलो गेमर्स कैसे हो आप सभी। सो भाई आप सभी को जैसा पता है ना कि भाई मैंने नाम चेंज कर लिया, लिखा है गद्दारी कर भी, तो इस वजह से मेरे को कोई जल्दी पहचान भी नहीं पा रहा। एंड दूसरी रीज़न ये भी कि मैंने टाइटल वाइटल पॉपुलैरिटी प्रोफाइल सब कुछ हाइड रखा है, मैंने अपना सब कुछ हाइड कर दिया है, जिससे और भी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है पहचानने में। एंड इस चीज़ को यूज़ करके ना मैं देखो रैंडम्स तो जा रहा था लेकिन रैंडम रिएक्शन भी दिखेंगे, लेकिन इसी बीच ना मेरे दिमाग में कुछ दिमाग में ऐसा चलता है, मैं बोलता हूँ क्यों ना यूट्यूबर्स जो लाइव करूँगे, ये करीब रात के 2 या 3 बजे की बात है, तब के टाइम पे मेरे कोई भी फ्रेंड ऑन नहीं थे तो मैं उनके साथ खेल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूबर्स के बीच चलते हैं, उनसे बोलते भाई टीम कोड बना दो। एंड इस बार मैं पॉपुलैरिटी टाइटल वाइटल बस एक ब्लड रेवन लगाऊंगा, बाकी हर चीज़ हाइड। इनफैक्ट मेरा नेम भी चेंज है तो देखते हैं वो लोग पहचान पाते हैं कि नहीं, नहीं पहचानेंगे तो आखिर में हम खुद से बता देंगे, बट ट्राई करेंगे कि ना पहचाने और मजे से हम खेले। लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते हैं रैंडम्स एंड यूट्यूबर्स के एंड स्ट्रीमर्स के बीच में, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। सो गाइस फटाफट से लाइक कर, लाइक कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके यहाँ पर नाम दिखते हैं। तो यहाँ पे विमल भाई क्या कर रहे हो, विमल नाम रखा है, खैर कोई ना। यहाँ पे यूट्यूब कृष्णा भाई ने सब्सक्राइब किया, विनय शर्मा ने, AK एडिटिंग ने सब्सक्राइब कर दिया है, एंड OP सागर भाई ने गद्दारी भाई सेम नाम रखते हैं गद्दारी कर पे किसी भाई ने नाम रखा उसने भी सब्सक्राइब किया। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो, कल वाले वीडियो में ऐसे नाम बोले जाएंगे फिर से शॉर्ट आउट के साथ। एंड लेट्स गो भाई, इनमें उतना मजा नहीं आया, दूसरा चेंज करते हैं, रैंडम्स के बीच चलते दूसरे वाले में। गद्दारी कर बे, गद्दारी गद्दारी कर बे। बाकी तो भाई ये भी लोग यहाँ पे नहीं खेल रहे थे तो ये भी एग्जिट करते हैं, दूसरी टीम ज्वाइन करते हैं। गद्दारी गद्दारी। बाकी तो यहाँ पे भी कोई नहीं खेल रहा था तो मैंने क्या किया कि स्ट्रीम पे जो खेल रहा होगा खेलने वाले बंदे को उनको जाकर मैं लिखता हूँ टीम कोड, अपने दूसरे अकाउंट से लिखता हूँ टीम कोड ऐसा क्वेश्चन मार्क करके, तो अगर टीम कोड कोई देता है तो चलते उसके टीम में। एंड ये बंदा खेल रहा था एंड सोलो स्क्वाड खेला था, मैंने बोला अगला मैं साथ खेले टीम कोड दे दो, एंड भाई ने दे भी दिया टीम कोड, तो हम चलते उसके साथ पहले। बाकी इनकी वॉचिंग ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन गाइस अपने तरफ से एक छोटा सरप्राइज रहेगा इनके लिए, वो आपको आखिरी में बताऊंगा क्या, बट अभी ये देखते पहचानते कि नहीं। पहले तो टीम कोड इनसे लेते हैं, टीम कोड तो दे दिया था इन्होंने, तो टीम कोड मैं ज्वाइन करता हूँ, देखता हूँ भाई कोई पहचानता है या फिर नहीं। ओके करें, चलो इन दोनों का ही तो माइक ऑफ है, अब भाई लोग माइक, अरे यार माइक ऑन नहीं कर रही, खैर आई थिंक सो ये यहाँ पे भूल जाते हैं माइक ऑन करना, तो ये गेम में जाके ऑन करने वाले माइक, एंड सीरियसली नहीं पहचाना, मजा आएगा खेलने में, और अभी नहीं बताऊंगा एकदम आखिरी में बताऊंगा। Not represent अरे ये लोग भी माइक ऑन नहीं था मेरा, सॉरी करना। ओ एक और एक्सोड वाला है, एक और एक्सोड वाला है उस साइड वाला है। नोरा मार्क द लोकेशन, इट इज शो टाइम। चलो बाकी रहता है लोगा, ऑटो मैचिंग ऑन किसने कर दिया, अच्छा टीममेट भी है ना, चलो तो उसने उनका टीम कोड पहले वो थे लीडर। कितनी गाइस 3-3 कोनिश है इस मैच के अंदर, एंड एक रहा ये फुल M4 वाला बंदा। गाइस आप इस स्ट्रीम को लाइक कर देना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लो फटाफट से, एंड यार सभी के सभी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, कभी तक नहीं करा होता। अमीर बंदे हैं गाइस, ज्यादातर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड करता हूं। MT दानिश OP, हाय हाय ब्रदर, कैसे हो ब्रो? MT दानिश OP ब्रदर, वेलकम टू स्ट्रीम। यस मैं सेंटेक गेमिंग, क्या रहेगा जब मैं सब कुछ रिवील करूंगा एक एक करके, हैशटैग वन, फिर जिसको ये जानते हैं नियॉन एक्स पवन, मैं वही हूँ, बट देखते अभी आखिरी में क्या होने वाला है। लेकिन देखो गाड़ी वाला नीचे आ रहा है, बट यहाँ फाइट भी होगी हमारे सिल्वर एक्स सूट के साथ, रेडी है ना। एंड आखिरी में हमारे तरफ से एक छोटा सरप्राइज रहेगा सेंटेक बाइक के लिए, वो ये है कि गाइस आई थिंक उनके 3K सब्सक्राइबर्स हैं, बट आज अपनी इन्होंने स्पैम भाई 5K तो करा ही सकती इनकी। अब मजाक सट के रात के 3 बज रहे, बंदा अभी भी स्ट्रीम कर रहा है, तो इतना तो कराना बनता है। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगा इनके चैनल पे एंड देखते हैं भाई क्या चल रहा है, बाकी आखिरी रिएक्शन देखते हैं कि पूछते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं और उससे ज़्यादा बढ़वा भी देंगे, ठीक है, बट रिएक्शन देखते हैं। लेकिन एज अ फैन मैं बन के गया स्ट्रीम के, तो मुझे पहले अपने टीममेट को बचाना पड़ेगा क्योंकि वो फंसा पड़ा है।
किल कर भाई का उन्हें। वेयर हाउस में बंदे ना एक ऐसा कुछ बंदे MG चला रहे हैं। बाकी तो भाई ये था सिल्वेनस एक्स सूट वाला जो कि हाँ आराम से मारा जाता है यहाँ पे। अब इधर मैं ऊपर से पड़ती है, एचपी खत्म यहाँ पे। अब फिर मैं स्मोक करके लूटने आया था लेकिन फिर एचपी खत्म, अब यहाँ पे रिवाइव होता हूँ। उतने में सामने से बंदे आ जाते हैं भाई, अब कुछ कर भी नहीं सकते थे भाई, एक एचपी में कितना ही मार लूँ। तो यहाँ पे हम दोनों ही नॉक हो जाते हैं, तो मैं बोलता है काम का दूसरा मैच लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, एग्जिट कर देते हैं। भाई ये बोला कितने कितने बंदे रखा है, इसका अभी भी नहीं पहचाना। मैंने बोला भाई अच्छी बात है, एकदम आखिरी में बताऊंगा। बाकी ये वाला वेदर देखने के बाद मैं बोलता हूँ भाई ये क्या खेल रहे हम, खेलना है इस मैच को या फिर नहीं। बाकी तो यहाँ पे मैंने एक्स सूट हटा के खेला था, लेकिन थोड़े ज़्यादा में भाई बोलता है एक्स सूट पहन के खेलो, तो मैंने बोला ठीक है एक्स सूट पहन के खेलते हैं, क्योंकि भाई वैसे बंदे फिनिश कर देते पूरा अगर एक्स सूट पहन के खेले ना। बाकी हम आते हैं पोचिंग की, एंड इस बार भाई देखते हैं क्या भसड़ है, क्योंकि बहुत बंदे आ जाते हैं पोचिंग की में, तो सब उतर चुके हैं, दिख नहीं रहे, लेकिन अभी देखो कितने सारे बंदे फाइट लेंगे हमसे। आई नीड अ वेपन, पिस्टल है भाई, फिर से वही सीन है जो पिछले मैच में मिली थी। थ्री स्टोरी बंदे हैं, कुछ हो रहा है, एटीएम किस पे करना है ये बताइए, कल बताते हैं, कल 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 आ रहा, मैं आ रहा। बाकी तो भाई यहाँ पे एक रैंडम टीममेट निकल चुका होता है हमारा, तो भाई हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, एंड सबसे पहले ऊपर चलते हैं, एंड सामने बंदा होता है, एंड यहाँ पे मेरे टीममेट का इतना गंदा नीड होता है ना, ये देखो थोड़े देर में ऐसा बूम फटेंगे, एक साथ दो या तीन बंदे फट गए, ऑलरेडी कर दी टीम। मैंने बोला ये हुई ना बात, चलो आगे चलते हैं, और बंदे होते हैं, लेकिन आज इस मैच में बस एक बार चेक करना, मैं M4 ढूंढता रह जाता हूँ लेकिन M4 मिलती ही नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता भाई, पूरे पूरे मैच में M4 नहीं मिली, आखिरी के दो तीन बंदे बचेंगे ना तब जाके M4 मिलेगी। खैर आ जाते इधर भी, तो तुम उस पे जाएंगे। Watch out! और बूम गाइस, ये दोनों रिवाइव हो चुके थे बट मेरे को एक भी खेलने आया कोई ना। अब इसका गाड़ी में बैठते हैं, सीधे निकलते हैं ऐसे पोचिंग की से बाहर। लेकिन उससे पहले एक बॉट था, मुझे कंफर्म नहीं था बट मैं फिर भी मार देता हूँ, बाद में पता चला यार ये बॉट था। खैर कोई ना, इस बार गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि और भी कल्स चाहिए होंगे। तो सामने ओपन में बहुत बंदे फाइट लेते थे, इधर भी पूरी स्क्वाड है, बाकी तो रेडी रहना। इस मैच के बाद हम सब कुछ रिवील करने वाले अपना, एंड देखते हैं भाई क्या रिएक्शन रहता है, जानते भी या नहीं जानते अपने को वो तो आखिरी में पता लगेगा, लेकिन आप लोगों ने इंटर में तो सुन ही लिया था। अब यहाँ पे इनको नॉक करते हैं, यहाँ पे भाई इसको भी टीम को फिनिश, एंड इसका सबसे पहले यहाँ पे M4 देखता हूँ, बट कहीं M4 ही नहीं, फिर जितने बंदे हमने सामने मारे ना उन सब में ढूंढते हैं, उन पे भी M4 नहीं। मैंने बोला अरे भाई क्या हो गया। अब यहाँ पे मेरे टीममेट्स फाइट ले रहे थे किसी और टीम से, जो कि पेट्रोल पंप से इनको फाइट ले रही थी, तो मैं आ गया पूरा फ्लैंक करके, क्योंकि मैं बहुत पीछे था, तो मैं सोचा क्यों ना इनके साथ तो हुई नहीं, तो क्यों ना पूरा फ्लैंक करके जाते हैं, एंड जल्दी हमारा गेम खत्म होने वाला, क्योंकि 13 बंदे बचे बस।
बाकी तो हाँ गाइस अगला नाम रेडी रखना, अगला नाम हम क्या रखें अपने नया, मतलब अपने इन गेम नाम क्या रखें गद्दारी कर हटा के, क्योंकि भाई अभी ऑलमोस्ट सब लोग जान जाएंगे अगर वीडियो डली तो भाई इसका ज़्यादातर लोग जान जाएंगे। तो नीचे कमेंट करके बताना कि अगला नाम क्या रखें। बाकी तुम्हारे भाई का स्टंट देखो, बूम फुल ड्रिफ्ट मार के आ रहा था एंड गाड़ी पूरी प्रॉपर सीधी, अरे भाई मजा आ गया। खैर गाइस एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो सीधे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ ब्रिज के पास एक गाड़ी लगी होती है एंड मैं कंफर्म नहीं होता कि भाई बंदे का है, तभी ये टीममेट्स घुस जाते हैं डायरेक्ट। बंदे 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 Watch out! अरे बाप रे, रुको 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 रुको, सेंटिक ब्रदर अरे लास्ट है लोकेशन किधर हो? रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा है। Awesome. बाकी तो बहुत बंदा डाउन था, अच्छा खासा मार रखा होगा इन्होंने। यहाँ पर रिवाइव देते हैं एंड रिवाइव देने भाई फाइनली M4 मिलती है एंड जब मेरे को M4 मिलती है तब तक तो पूरा गेम ही खत्म हो गया। साथ ही बंदे बचे थे जो कि एक बॉट मारता उस पीछे से आता हुआ एंड उतने में ये बंदा कहीं से तो पड़ती मेरे को एंड ये इसने एक को तो नॉक देता है एंड दूसरा भी होता है कहीं तो उसे भी नॉक फिनिश कर देता है एंड उनकी टीम को ऑल डेड कर देता है। अब बचा इसका सिर्फ और सिर्फ आखिरी बंदा एंड उसको ढूंढने में सीरियसली बहुत परेशानी हुई भाई, मतलब 4-5 गाड़ियों का फ्यूल खत्म कर दिया लेकिन बंदा ही नहीं मिल रहा। आखिरकार यहाँ पे ये वाली गाड़ी उठाते हैं एंड चलते हैं ढूंढने बंदों को। अब देखो यहाँ तो मैंने सिर्फ कट किया वीडियो को बट बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई थी, आखिरी सर्कल आ गया था लेकिन बंदा मिलने को रेडी नहीं। मैं सोचा था मिलिट्री बेस से कहीं छुपा होगा तो आएगा धीरे धीरे, तो मैं अब रुक जाता हूँ भाई। इसका भी फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म था, कार 98 थी। मैं इधर वॉल पे चेक कर रहा हूँ तो अभी दिखा ये सामने पेड़ पे। फाइनली विनर चेक करने अपना आ गया एंड इसके बाद मैंने ना ऑलमोस्ट सुबह से खेला नहीं था तो अभी 2 घंटे हुए थे जस्ट मेरे एंड इस बार मैं स्टेल लगाता हूँ एंड चलते हैं अब #1 लगा के देखते हैं। एक बार #1 लगा देता हूँ मैं, लगाऊँ या ना लगाऊँ, लगाते देखते हैं। सुपरस्टार #1 हेलो हेलो न्यू नेक्स वाज येलो गाइस हमारे साथ देखो कौन खेल रहा है, गाइस देखो हमारे साथ अभी कौन खेल रहा है, पॉपुलैरिटी के #1 प्लेयर। #1 प्लेयर एंड EGMI पार्टनर एक यूट्यूबर हमारे साथ खेल रहे गाइस, खुशी होती ना भाई 3000 सब्सक्राइबर वाले बंदे के साथ एक इतने बड़े यूट्यूबर आकर खेल रहे हैं, खुशी होती है भाई। अच्छा भसड़ मचा देंगे मेरे को पता है, भाई मेरे को जब तुमने यहाँ पे आके नियोनेक्स प्रो रखा था तो उस टाइम पे नियोनेक्स पावर नहीं पढ़ लिया था बट मेरे को था यार ये तो प्रो है, लेकिन हाँ जब मैं सोचा था अरे चलो यार नियोनेक्स भाई के फैन होंगे हम भी खिला लेते साथ में, लेकिन अभी आप ग्लेशियर है मैक्सूट ले गए थे मैंने सोचा था शायद से उनके फैन होंगे और उनके साथ भी खेल चुके होंगे एक्सूट और अभी भाई इस मैच के बाद आकर देखिए #1 सुपर स्टार भाई अच्छी बात है। अरे फ्रेंड कैसे ऐड कर लो यार पवन भाई भेज दिया मैंने यार, रीड मत करना यार भले ही साथ में खिलाना लेकिन बस कभी कभार ऐसे एक जिसके तुम फैन हो गाइस वो तुमको सामने। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. और वो सामने तुम्हारे के साथ खेले वो भी एक अलग नेम से अलग तरीके से आकर के तुम्हारे साथ खेले वो भी इतनी रात को, तुमको क्या रखा है कितनी खुशी होगी ना कि I won my last match. तो बस मैं ही मिला भाई, किस्मत देखो यार तुम्हारे भाई की, कोई और दिया ही नहीं टीम को। मजाक सेट के यार मेरे भी चैनल पे जब मैं अभी 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स पटका पड़ा था तो मेरे चैनल पे भी किसी भाई ने रेड किया था एंड भाई बहुत अच्छा लगा था
एंड मैं भी वहीं से आया हूँ भाई, मैं भी 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर्स से उठ के ही आया हूँ एंड यहाँ पे आज इतने बड़ा पूरा यूट्यूब फैमिली बना रखी है। कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत सारा प्यार है। एंड चलो अपने यूट्यूब फैमिली से एक चीज़ और बोलते हैं, जो इनका नाम लिखा ना यूट्यूब सेंटेक लिखा है, सिर्फ ये यूट्यूब पर सर्च करना या फिर सेंटेक गेमिंग यूट्यूब हटा के सेंटेक गेमिंग सर्च करना, इनका चैनल आ जाएगा। तो वहाँ पे शायद से 3,000 से 3,500 सब्सक्राइबर्स है, तो क्या 5,000 करवा सकते हो तुम लोग जाके? देखो अब मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर आप करवा सकते हो तो ज़रूर से करवाना अपने यूट्यूब फैमिली भाई, ज़रूर से ट्राई करना। बाकी तो आज शाम को जो ये स्ट्रीम करेगा या फिर रात में स्ट्रीम करेगा तो फुल मचा देना भाई, ठीक है? बाकी तो लव यू गाइस, बाय बाय, ध्यान रखो सबका अपना, बाय बाय गाइस।